Hello and welcome to all to this channel. Dear students, ei video re ame schools goodbye chapter ro objective question answer discussion kariba ta pare ei chapter ro vocabulary aur language study ro question answer madhye ame discussion kariba. Eha purbaru mu ei chapter ro gote video upload karchi je uthire tume ei chapter ko bhala bhabare bujhi paribo. Sei video ro link description box re available achi kimba upare tume I button प्रेस करके मध्यम वीडियो को देखि परिबो आ लेट न करी वीडियो स्टार्ट करबा. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द एसे स्कूल्स गुड बाय. स्कूल्स गुड बाय एसे रो स्पीकर की आंसर लॉर्ड यूस्टेस पर्सी. नंबर 2, व्हाट डज द एसे स्कूल्स गुड बाय टेल द स्टूडेंट्स. ए एसे टी स्कूल्स गुड बाय पिलां को कोन कहुचि ना द एसे स्कूल्स गुड बाय टेल्स स्टूडेंट्स हाउ टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड सिटीजन इन फ्यूचर. भविष्य रे भलो मनुष्य बा भलो नागरिक होय पई एटा पिलामानकु सिखौछि एसेटी. नंबर 3, व्हाट डज द स्पीकर स्पीक अबाउट. कौन स्पीकर कहउछंती. द स्पीकर स्पीक्स अबाउट द फ्यूचर वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स. भविष्यतरे मंगल कथा कहिछंती छात्र छात्री मानकर. नंबर 4, व्हाट मस्ट पीपल्स टू इफ दे आर एम्बिशियस टू सक्सीड. आंसर इफ पीपल्स आर एम्बिशियस टू सक्सीड दे मस्ट कंटिन्यू देयर एजुकेशन. सफलता पाए पिला कौन करे पड़ो एजुकेशन को कंटिन्यू कराइक पड़ो. नंबर 5, टू हूम डज सक्सेस कम. सफलता के आसे ना सक्सेस कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड एंड कंटिन्यू लर्निंग. से मानक आसे जो मैंने कठिन परिश्रम करती शिखा को शिखाटा चालू रखि था पाठ पढ़ती आगे. हाउ सुड पीपल्स चूज देयर प्रोफेशन. केमती प्रोफेशन चूज करेंगे पिलाने. पीपल्स सुड चूज देयर प्रोफेशन विथ द ग्रेटेस्ट केयर मन ध्यान देखिए. नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन सुड पीपल्स एम आट. कौ प्रोफेशन विषय पिला लक्ष्य करेंगे. आंसर पीपल सुड एम आट ए प्रोफेशन व्हिच विल ब्रिंग हिम और हर एन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी फ्यूचर. जोड़ा इंटरेस्टिंग लगे हैप्पी फ्यूचर थी से प्रोफेशन पे चूज करेंगे ताको लक्ष्य करेंगे. नंबर 8, व्हाट सुड यू डू इफ यू आर फोर्स टू टेक अप ए जब यू डू नॉट लाइक. तुम कौन करते तुम चाकरी करा इच्छा ना गोटे नहीं जामी. आंसर इफ वी आर फोर्स टू टेक ए जब वी डू नॉट लाइक वी सुड अवॉइड इट एंड ट्राई टू पिक अप वन व्हिच इज आवर लाइकिंग. आम जो भल लगे चाकरी आम ग्रहण करवा जो भल लगे छाड़देव. नंबर 9, व्हाट सुड पीपल्स डू इन केस ऑफ डाउट. डाउट आसे पे कौन करेंगे. इफ पीपल्स फाइंड देमसेल्व्स इन डाउट इन एनी डाउट दे सुड आस्क एडवाइस फ्रॉम वन ऑफ देयर टीचर्स. सार मान भितर शिक्षक मान भर जन परामर्श ने पाला पड़ो. नंबर 10, व्हाट डज सक्सेस इन लाइफ डिपेंड ऑन. आंसर सक्सेस इन लाइफ लार्जली डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ. क्या सक्सेस डिपेंड करे लार्जली डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ. नंबर 11, व्हाट हार्मफुल हैबिट्स शुड पीपल्स अवॉइड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. कौ कौ हार्मफुल हैबिट को पे अवॉइड करा दरकार ना स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. नंबर 12, हाउ कैन यू कीप इन गुड हेल्थ. आंसर वी कैन कीप आवर बॉडी फिट बाय क्लीनिनेस फ्रेश एयर रेगुलर हैबिट्स एंड सुइटेबल रिक्रिएशन एंड मेक आवर सेल्व्स स्ट्रॉन्ग टू प्ले द गेम. नंबर 13, हाउ डज स्मोकिंग अफेक्ट अस. केमती हमको स्मोकिंग अफेक्ट करे. स्मोकिंग स्टंट्स आवर बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन. स्मोकिंग स्टंट्स आवर बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन. नंबर 14, हाउ डज ड्रिंकिंग अफेक्ट अस. आंसर ड्रिंकिंग रुइन्स आवर हेल्थ एंड रिड्यूसेस आवर एफिशिएंसी. नंबर 15, व्हाट इज द डेडली एनमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी. आंसर ड्रिंकिंग. नंबर 16, व्हाट इज द प्राइसलेस पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल. आंसर कैरेक्टर. इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नंबर 17, हाउ सुड पीपल्स कीप देयर कैरेक्टर. केमती रखिए कैरेक्टर को पे चरित्र को. आंसर पीपल्स सुड कीप देयर कैरेक्टर अंटर्निस्ट और फ्री फ्रॉम ब्लैक स्पॉट. नंबर 18, व्हाट सुड वी बी टू आवर राइवल्स. आम आम राइवल केमती है प्रतिद्वंदी मानी वी सुड बी फेयर और अनेस्ट टू आवर राइवल्स. नंबर 19, व्हाट सुड वी बी टू द वीक एंड सफरिंग. वी सुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू द वीक एंड सफरिंग. नंबर 20, व्हाट सुड वी बी इन ऑल थिंग्स. वी सुड बी ट्रूथफुल इन ऑल थिंग्स. 21, व्हाट सुड वी और द पीपल्स स्टैंड अप फॉर. आंसर द वी और द पीपल्स सुड स्टैंड अप फॉर गुडनेस. व्हाट इज ए मीन गेम. आंसर गैम्बलिंग इज ए मीन गेम. नंबर 23, व्हाट इज गैम्बलिंग. गैम्बलिंग इज ए मीन गेम ट्राइंग टू गेट समथिंग फॉर नथिंग एट समबडीज कॉस्ट. नंबर 24, व्हाई शुड वी मेक प्रोविजन्स. आंसर वी शुड मेक प्रोविजन्स फॉर हार्ड टाइम्स.
or difficult times. Janicho 25. When should we avoid idling? Answer: we should avoid idling in our leisure hours. Leisure hour ame avoid kariba idling olaswami ku. 27. How should one spend one's leisure hours? Kemti jane kateibo taro leisure hour ku. Answer: one should spend one's leisure hours with interesting hobbies, reading good books, and with the companionships and association. 27. What do you mean by hard times? Hard times mean difficult times when the period of stress and strain may come unexpectedly. 28. How is a person known? Kemti gote lokma janiba a person is known by the company he keeps. Ta sanga tharu jana padi jibo. 29. How can we achieve real success in life? Kemti ame real success ko achieve kariba. Now we can achieve real success in life if we possess a sound mind in a sound body, a good character, courteous manners, and loyalty to the duties of our nation and its high ideals. 30. What should we avoid in leisure hours? We should avoid mere idling in leisure hours. Itila thirsty objective question answer. Jani hai thiwa bahut easy chapter te. Tapra ame kichi vocabulary aur language study e chapter ro dekhiba. First thichi vocabulary. Match the words under A with their meanings under B. Dekho kete gude question deichi. कलम ए और कलम बी को मैचिंग करने को मैच करवा देख दे कलम ए रे बीवेयर ऑफ अंटरनिस्ट स्टंट फॉर गुड एबव ऑल कोटियस ग्रेस लार्जली गैम्बलिंग फेयर सेमती सपटे कलम बी रे पोलाइट और वेल मैनर्ड मर्सी चीफली और मेनली हैबिट ऑफ बीटिंग मनी ऑनेस्ट बी केयरफुल प्योर एंड ब्राइट परमानेंटली स्टॉप समथिंग फ्रॉम ग्रोइंग प्रॉपर्ली मोस्ट इंपोर्टेंटली তাহলে তার আনসর দেখ করা যাই সিধা সিধা মুখ লিখি দিয়েছি তাকে পড়ি মনে রাখবে সমস্তে কলম এ রয়েছে বিওর অফ পিওর মিন্স বি কেয়ারফুল অন্টারনিস্ট মিন্স পিওর অ্যান্ড ব্রাইট স্টট মিন্স স্টপ সমথিং ফ্রম গ্রোয়িং ফর গুড মিন্স পরমানেন্টলি এবভ অল মিন্স মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কোর্টিয়স মিন্স পোলাইট আর ওয়েল ম্যানর্ড গ্রেস মানে হচ্ছে মর্সি লার্জলি চিফলি আর মেইনলি গ্যাম্বলিং হ্যাবিট অফ বিটিং মনি ফেয়ার মিন্স অনেস্ট তারপরে সেকেন্ড আই দেখা কলা এক্সপ্রেস দ ফলোইং ইন এ সিঙ্গল ওয়ার্ড দেখ গ্রিন পেন লেখা হয়েছে দ হেলথ অ্যান্ড হ্যাপিনেস অফ পিপল ওয়েলফেয়ার হ্যাভিং আম্বিশন আম্বিশিয়স টু অবটেন সমথিং অ্যাচিভ প্রফেশন অর জব অফ এ পর্সন অকুপেশন টু প্রিভেন্ট সমথিং অর সমবডি ফ্রম গ্রোয়িং প্রপরলি স্টন্ট টু ভ্যালুয়েবল টু হ্যাভ এ প্রাইস প্রাইসলেস কোয়ালিটি অফ বিং লয়াল লয়ালটি L O Y A L T Y loyalty লেখন্তে বহুত ভালো loyalty Y A L T Y to weaken someone's strength slowly sap quality of being efficient efficiency be on your guard against something stand up for ইতিলা singular question তারপরে very important কইছি convert the following verbs to nouns যে verb দেইছি left side রে কতবেলে তার noun form করিবা তাকে sentence রে আমি পরিণত করিবা দেখ দেখি ভর্ব ক্যালকুলেট তার নাম ফর্ম হচ্ছে ক্যালকুলেসন সেমতি এক্সাম্পল বা সেন্টেন্স সেন্টেন্স মেকিং করা পড়ছে ইউজ ক্যালকুলেসন ইজ রং সেমতি ভর্ব হচ্ছে আসোসিয়েট তার নাম ফর্ম হচ্ছে আসোসিয়েসন দে ডিনাইড হ্যাভিং এনি আসোসিয়েসন উইথ টেরোরিস্টস টেরোরিস্ট সহিত কিছু সংযোগকে সেমানে মনা কলে কনসিডর মানে বিচার করা কনসিডরেসন তার নাম ফর্ম ইয়োর আপ্লিকেসন ইজ অন্ডর কনসিডরেসন বিচার অপেক্ষায় অছি তোমার আপ্লিকেশন দরখাস্ত এজুকেট শিক্ষা দেবা এজুকেশন এজুকেশন বিগিনস আট হোম ঘরে হি আরম্ভ হয় শিক্ষা হেজিটেট হেজিটেশন দেয়ার ওয়াজ এ টচ অফ হেজিটেশন ইন হিজ ভয়েস প্রফেস প্রফেশন হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার্স প্রফেশন অকুপাই অকুপেশন সুইমিং ওয়াজ দেয়ার মেন অকুপেশন আট সমর ক্যাম্প তারপরে আইএনজি ফর্ম দিয়েছি দেখ কেমি চেঞ্জ হচ্ছে কু ডবল হচ্ছে অনলাইন করা যাই লক্ষ্য কর ইউটি কি আই হচ্ছে ডিসাইডিং ডিইসিআই ডিআইএনজি অকুপাই সেমতি হল অকুপাইং বিগিনিং দেখ ডবল এন বিগিনিং ডবল এন স্যাপ ডবল পি স্যাপিং ফরগেট ডবল টি প্রোভাইড ই উঠিল লাস্ট কু পিআর ভিআই ডিই ই লেখা হলানি প্রোভাইডিং ডিআইএনজি মেক মেকিং পার্ট পার্টিং গাম্বল গাম্বলিং প্রমিস প্রমিসিং স্টডি স্টডিং সবুঠি আইএনজি লাগুছি কোটি ডবল হচ্ছে কোটি ই উঠিকি তারপরে আই হচ্ছে তাকে আমি দেখিবা তারপরে দো অল দো ওটা পরীক্ষার পড়ে দো অল দো হচ্ছে দুইটা কোন না দো যাহা অল দো সেয়া দুইটা কর আমি কেতলে ইউজ করু না যেত অপোজিট মিনিং আসে তাহলে দো অল দো আর ইউজ টাচ কনজাংশন এদিকে আমি কৌছি কনজাংশন বলি
to combine or join two sentences ta vakya ku combine ba join kara pai byabahar hoye tar opposite vakya tarkar jemti dekha gote example karaichi my bicycle is very old it will run well ta kon hobo na though or although my bicycle is very old comma it will run well first sentence pare comma diya hobo tapare though kinba although bhitore gote likhibo tapare baki likhibo very simple it was raining heavily I went out without raincoat though or although it was raining heavily I went out without raincoat the man is poor he is happy though or although the man is poor eti dekho first sentence pak purvur though ki although asila the man is poor comma he is happy he went on running he was tired though or although the boss though or although he was tired comma he went on running bhi the boss was overloaded we were able to find seats though or although the boss was overloaded loaded comma we were able to find seats bhi my granny is 80 she still likes singing devotional song hala do gani par opposite meaning in asche tala answer kon hobo though or although my granny is 80 she still likes singing devotional songs bhi double hai बबली हाज स्कूटी सी अफन गोज टू स्कूल ऑन फुट कहीं सहज तोअर अल्दो बबली हाज स्कूटी सी अफन गोज टू स्कूल ऑन फुट भी थर्ड आई दे आर सिस्टर्स दे मेड दे नेवर टॉक टू इच अदर दोअर अल्दो दे आर सिस्टर्स कमा दे नेवर टॉक टू इच अदर जदिव से दुई भौणी कितु परस्पर भितर कथा होना आई एक्स ज्योतिषी इनभाइटेड मी कोडियली आई डिड नॉट अटेंड हर बर्थडे दोअर अल्दो ज्योतिषी इनभाइटेड मी कोडियली I did not attend her birthday. X, the boy looks weak. He is really very strong. Though or although, the boy looks weak. He is really very strong. इड़ा सुपुर्णा क्वेश्चन रे पढ़ी चुप देखिवा. ताहा पर हमें देखिवा imperative sentences. हमें जानते हैं imperative sentences provide order, advice, request, suggestion, prayer, warning, command, instruction, etc. Ready? देख एक्जामपल के लिखा टेक आवे बुक्स टेक ये मेन भर आरंभ हो एक्जामपल देखा जान प्राय आम मेन भर आरंभ हो आई वांट यू टू गो अहेड तार कौन इम्पोरेटिव पैटर्न गो अहेड आई वांट यू टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आंसर कौन गेट कैपिटल जी लिखा आंसर केवल करवा गेट अप मन रखा यहाँ द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड टू बस टू बस मन रख मार्च फॉरवर्ड टू मार्च फॉरवर्ड लिखे भूल जाइए द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक दिस मेडिसिन आफ्टर फूड तो कौन हम टेक रु आरंभ हम टेक जो मेन भर टेक दिस मेडिसिन आफ्टर फूड नंबर फाइव द वॉचमैन वांड यू टू बियर अफ दि डग आंसर बिवेयर अफ दि डग ये तीस टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आउ पाखापाखि तीस टी सर्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन कले पाखापाखि भावुच्छे तुम्हें भिडियो किसी बेनिफिट पाथ जो भल लगे सांग सहित सेयार कर दि थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।